हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज भाई दो गाड़ियां फ्रेम में, अपनी मॉन्स्टर जीटी और एक होंडा सिटी फिफ्थ जेन। भाई ये भी ट्यून्ड और ये भी ऑटोसाइक से और वो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, जिसकी आपने लास्ट वीडियोस में आवाज़ सुन ली होगी भाई कितनी कैडी आवाज़ निकालती है। और ये स्टेज वन होने के बाद बनाती है 170 की हॉर्स पावर और 290 का टॉर्क, और वहीं ये अब स्टेज टू होने के बाद बनाती है 135 की हॉर्स पावर और 170 का टॉर्क। तो भाई जितना इसका टॉर्क है उतनी इसकी हॉर्स पावर है, और कुछ सेल्टॉस ने अपनी भाई किस किस को नहीं हराया, हर तगड़ी से तगड़ी गाड़ी को हराया। पर भाई जो सिटी आज परफॉर्म कर रही है, सिटी तो भाई खतरनाक भाग रही है। एनए इंजन है भाई 1.5 लीटर का, और ये जीटी लाइन है अपनी 1.4 टर्बो इंजन के साथ। ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है, ये पेट्रोल मैनुअल एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो भाई आज इन दोनों की ट्रैक करके देखते हैं क्या खतरनाक मजा आने वाला है, कि क्या सिटी सेल्टॉस को कैडी टक्कर देगी। तो बिना देरी के करते हैं ड्रैग स्टार्ट और देखते हैं क्या होता है। सेटिंग्स एसी हम ऑफ कर लेंगे, डीसीबी को मैनुअल पर रखेंगे, स्पोर्ट्स मोड कर लेते हैं हम अभी आपके सामने। स्पोर्ट्स मोड में हो गया ट्रैक्शन और एसी। हां जी, फुल पोटेंशियल रखो क्योंकि डीसीटी गर्म हो जाता है। ठीक है, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, हमारा भी ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ। पेट्रोल मैनुअल है, कोई मोड उसमें आता नहीं है, फुल पोटेंशियल में चलती है, स्टेज 2 हो गई है। ठीक है, दुख दुख कर ही रही है वो, एसी हम ऑफ कर ही लेते हैं। रैम खाने की जरूरत है क्या सेल्टॉस पे भी? अरे भाई वो लॉन्च देखा है थोड़ी सी आगे से लॉन्च करेंगे, सुन थोड़ा सा आगे से। ठीक है चलो, थोड़ी सी आगे ले लेते हैं। थ्री टू वन। अरे भाई क्या उठी, अरे चल भाई अब नहीं जाएगी, अब नहीं देखती भाई, ये गई पीछे, भाई सौंपे गई पीछे भाई। सिर्फ लॉन्च बस, अब तो गैप ही बनेगा भाई। ओ भाई बहुत ज्यादा नहीं बना ना गैप, बन गया भाई, बन गया गैप, बन गया। 160 पे ब्रेक ले दी हमने, बन गया भाई, भाई सौंपे गई है, भाई सौंपे गई है, दुख दुख करा दी इसका ड्रैग। बस लास्ट के 20 किलोमीटर पर आ रही स्पीड में बच गए हम। हाँ, सेल्टॉस काश अपनी मैनुअल होती भाई मैं आ गई थी 90 के अराउंड पर, आगे निकली है 96-98 पे, 100 पे क्रॉस। हाँ 100 पे क्रॉस भाई, वही कहा था मैंने, लॉन्च बहुत अग्रेसिव है, मेरे को कवर करने में टाइम लगेगा, पर हाँ ये है कि टक्कर बहुत बड़े दे रही, एनए फील नहीं हो रहा। और जबकि आपका डीसीटी भी ठंडा था। हाँ अभी तो ठंडा है, अभी एक राउंड और करते हैं, अभी कोई दिक्कत थी? नहीं नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्च वॉन्च कुछ भी ठीक है। आओ चलो, ठीक है हमारा बहुत ज्यादा लैग भाई, बहुत ज्यादा लेट उठ रही है, क्या बात है, गर्मी इतनी लेट नहीं उठनी चाहिए, बट हाँ वही है, निकल गई भाई दोबारा। यहाँ पे लॉन्च बेटर हुआ था, मतलब लैग को छोड़ के हील स्पिन कम हुआ था ना, तो सही आगे निकलती चली गई, निकल गई भाई। और अब देखो अब तो कंटिन्यूअस गैप है भाई, रह गई सिटी उसके बाद, इतनी अभी इतना भी कंपटीशन पर भाई सिटी का बहुत तगड़ा है यार, सेल्टॉस के साथ वो भी यार के 100 पे क्रॉस करने दे रही है, तो भाई पावर तो है ही है, नो डाउट, बहुत तगड़ी होगी भाई सिटी पर चलाने मजा उसको आ रहा है ना, मैं तो कैसे रेस दे रहा हूं सही बात वो है। कर रहे है, रेव माची, वो भाई मैनुअल को भगाने का मजा ही अलग होता है यार, मैनुअल इसीलिए तो मैनुअल का मजा आता है, लोग मैनुअल से ऑटोमेटिक कराते हैं, ऑटोमेटिक से मैनुअल करा लो तुम ये देखना, ये सारे मैंने करेंगे हाँ, ये जो फन है ना उसको चलाने का बहुत नेक्स्ट लेवल भाई। वहाँ से रोलिंग करते हैं, वहाँ से एसी ऑन, बिल्कुल सेम रिजल्ट थे। हाँ अपनी पोटेंशियल कम कर लो। नहीं नहीं, यहाँ से हम रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से मेरी लॉन्च नहीं हुई, व्हील स्पिन में ना सेकंड गियर लग जाता फिर, तो यहाँ से हम करते हैं रोलिंग, रोलिंग वहाँ से आते हुए मैं या तो एसी ऑन कर लूंगा या मोड वोड चेंज कर लूंगा। रोलिंग तो अभी फुल पोटेंशियल पे कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट गियर 20, ठीक है, 3 ऑन आप बजा देना, ठीक है ठीक है। एसी ऑफ कर लिया भाई हमने वापस, शीशा ऊपर कर लो बस। चलो 20 पे कॉन्स्टेंटली क्रूज कर रहे हैं हम, 22 धीरे करो भाई, आ जाओ भाई एग्जैक्ट 20 पे, तो 3 भाई रोलिंग में तो रह जाएगी, रह जाएगी रोलिंग, हाँ रोलिंग थोड़ा सा उससे गियर भी टक गया ना,
नहीं, थोड़ा सा वॉक डाउन हुआ शायद, पर अब तो बहुत पीछे है, बस ब्रेक ले लो। ड्रैग का वही फर्क है कि वो लॉन्च हो जाती है, हमारी लॉन्च नहीं होती। रोलिंग में तो रहना ही था उसका पीछे, नो डाउट। पर भाई कैडी भाग रही है यार जबरदस्त, मतलब इवन तो जीत गए हम पर वो दिल वो जीत गई। हाँ वो मैनुअल की शिफ्टिंग, वो आवाज तो भाई बहुत प्यारी आवाज होगी भाई उसकी एग्जॉस्ट के बाद तो ना। अब तो मन कर रहा है ना, तो वो चुभने वाली आवाज है ना, ना वो फड़फड़ वाली आवाज है, बिल्कुल ऐसी आवाज है कि ना जो मतलब दिल को टच कर जाए, मजा मजे वाली आवाज है उसकी। मेरा तो मन कर रहा है उसको देख के मैं भी करवाऊं। हमारा जो टर्बो चार्ज है पर जो उसकी वाली आवाज है ना वो अपनी में नहीं आई। हाँ नहीं आई, ये नहीं है ना वो। आप जब आगे निकले ना, मैंने वीडियो में बोला है कि शायद उसने गियर चेंज किया। नहीं रेव लिमिटर हिट हो गया था मैंने सुना है। पट 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 ओ भाई इको कर लूं। हाँ ठीक है, इको और एसी ऑन। एसी भी ऑन कर लिया। एसी भी ऑन एक्शन ऑन। धक्के ही मार लेता हूँ गाड़ी को, ठीक है। डी पे है मेरी गाड़ी, अब मैं M1 पे भी नहीं कर रहा, DCT भी नॉर्मल पे, ठीक है। इको मोड एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑफ है। अरे 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 यार, नहीं 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 जाएगी जाएगी ओ भाई, पर 110, 15, 20, 25, 30, 40 ले गई भाई। 135-40 पूरी क्रॉस होगी सेल्टोस। इको में भी आगे निकलना ही है भाई उसने, पर अब क्या गैप नहीं हुआ ना। हाँ ज्यादा गैप नहीं हुआ। एसी ऑन से फर्क तो देखो पड़ता ही। और ऊपर से इको मोड भी तो गया ना, इको मोड कंफर्ट में भी नहीं लगा हमने तो। डीसीडी भी मैनुअल पे कर, वो हमने डी पे कर लिया, बिल्कुल इकोनॉमिक सेटिंग्स थी। बस ट्रैक्शन हमने ऑफ नहीं करा क्योंकि फिर तो बिल्कुल ही नहीं उठेगी गाड़ी। सही बात है, पावर ही कट कर देगी। पर हाँ इस वाले राउंड में भाई ड्रैग वो जीती, ड्रैग वो जीती। हाँ 135 पे पूरी क्रॉस कर रहा है तो 35 पे वो 400 मीटर हो गए होंगे हमारे। हाँ ड्रैग वो ले गई। 140 वाला बेंचमार्क जो हमारा सो कॉल्ड है उसमें फिर सेल्टोस जाएगी, बट मैं तो भाई 400 मीटर ही मानता हूं। 400 मीटर 120 की स्पीड तक ही मानते भाई। 120 में रोलिंग करते हैं, रोलिंग में मेरे को मन है वो वाली चलाने का, आराम से एक बार पूछता हूं मैं। चलो डीसीटी मैनुअल पे है, स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। एसी ऑन के ऑफ रखूं? एसी ऑफ है, ठीक है। रोलिंग कर रहे हैं, ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है। फर्स्ट गियर ठीक है, चलो। अपना मोड कौन सा है? स्पोर्ट्स मोड है। कहाँ दिखाता है मोटर को? ये लो ना, स्पोर्ट्स मोड है। चलो पंद्रह 18 20 चलो ऑन कर दो, आप कर दो 3 चलो। नहीं जाएगी भाई वो, रोलिंग में नहीं जा सकती कोई तो, रोलिंग में कोई चांस ही नहीं है। रोलिंग में तो यही जाएगी भाई। यार ये तो सही है, ये है भाई असली तो, मतलब जो ट्यून असली फील होता है ना, जो असली ट्यून फील होता है ना, मुझे तो सेल्टोस में ही होता है भाई। और किसी गाड़ी में इतना ना फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है थोड़ी सी पावर बढ़ गई। हाँ ठीक है, पर इसके अंदर तो ऐसा लगता है भाई, लगता है पूरी गाड़ी बदल गई भाई। कैसे गाड़ी जा रही है, एकदम पंजा दबाते ही गाड़ी गोली है भाई, रुकती ही नहीं है। बढ़िया है भाई, असली ट्यून तो भाई सेल्टोस है हमारी, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो गाइज ये थी अपनी कुछ ड्रैग रेस, सेल्टोस वर्सेस होंडा सिटी। जैसे कि पहले ही उम्मीद थी कि भाई होंडा सिटी जी नहीं जीत पाएगी सेल्टोस से, पर भाई बहुत बढ़िया टक्कर दी सेल्टोस को ना, कि 100 के बाद मतलब 95-96 के बाद सेल्टोस ने क्रॉस कराया, क्योंकि बहुत तगड़ा लॉन्च हो चुका है भाई सिटी का ना। और उसकी आवाज़ तो भाई आपको हमने वीडियो में 10 बार सुना दी होगी कि भाई कितनी कैडी आवाज़ हो गई है सिटी की। पर बहुत मज़ा आया भाई ड्रैग करके, सेल्टोस एट द एंड विनर रहनी थी, चाहे रोलिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो वीडियो अच्छी लगती है यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।